हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल कैनरा बैंक डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हो, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ कैनरा डेबिट कार्ड। आप लोग ये फॉर्म इजिली भर सकते हो, मैं ये फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो फ्रॉम, मतलब आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे टू में आप लोग को यहाँ पे ब्रांच मैनेजर लिखना है और यहाँ पे कैनरा बैंक का ब्रांच नेम लिखना है और यहाँ पे आप लोग को डेट दे देना है और यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को न्यू डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को न्यू पे टिक करना है। अगर आपको एडिशनल डेबिट कार्ड या फिर रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को एडिशनल और रिप्लेसमेंट में टिक कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रुपे कार्ड चाहिए, वीज़ा कार्ड चाहिए या मास्टर कार्ड चाहिए। यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग कोई भी टिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वीज़ा कार्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे भी आप लोग को तीन ऑप्शन मिलता है, क्लासिक और स्टैंडर्ड, फिर प्लैटिनम, फिर बिजनेस डेबिट कार्ड। और यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट डेबिट कार्ड का डिफरेंट चार्जेस रहता है। आप लोग देख सकते हो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में कैनरा बैंक का, क्लासिक के लिए डिफरेंट चार्जेस रहता है, प्लैटिनम के लिए डिफरेंट चार्जेस रहता है, बिजनेस डेबिट कार्ड में उसका भी चार्जेस कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्लैटिनम ले रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनलाइज पे टिक करते हो, यहाँ पे आपके एटीएम पे नाम लिखा हो आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग नॉन पर्सनलाइज पे टिक करते हो देन आप लोग को अपने एटीएम कार्ड पे अपना नाम नहीं प्रिंट हुआ होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डजंट बियर नेम ऑन द कार्ड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, फॉर डोमेस्टिक यूज और फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल यूज। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चॉइस कर रहा हूँ, फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल यूज। और यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ पे आप लोग को पैन नंबर देना है और इधर आप लोग को मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे आप लोग अपने डेबिट कार्ड में क्या नेम प्रिंट करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम प्रिंट करूँगा अपना और अकाउंट नंबर टू विच कैनरा डेबिट कार्ड इज टू बी लिंक्ड, यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। यहाँ पे करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे टिक किया हूँ और यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देना है। और अगर दूसरा कोई अकाउंट है उसको भी लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट नंबर दे सकते हो। और यहाँ पे नीचे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है और ये पार्ट फॉर ऑफिस यूज है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कैनरा बैंक डेबिट कार्ड फॉर्म इजिली भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।